नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 की बात कर लें जरा। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 भारत की नागरिकता गैर मुस्लिम लोगों को जो शरणार्थी के रूप में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं उनकी बात कर रहा है। और ये 6 ऐसे धर्म के लोग जो शरणार्थी बन के इन तीन देशों से आए, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट, इनको कर रहा है। केवल इसमें इस्लामिक मुसलमानों को इससे बाहर मतलब को नहीं इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको एक जनरल दुनिया के बारे में बता दूं, जिससे समझने में चीजें आसान हो जाए। पहला, आज की तारीख में एस्टिमेटेड यह है कि दुनिया की कुल आबादी करीब 800 करोड़ है। उस 800 करोड़ में जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं वो करीब 240 करोड़ है, करीब करीब 30% टोटल आबादी के। जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, जिनको हम मुसलमान बोलते हैं, वो 190 करोड़ है, करीब 23%। वो लोग जो नॉन रिलीजियस मतलब किसी धर्म को नहीं मानते हैं, एथीस्ट हैं, कुछ लोग उनको सेकुलर वाले भी कैटेगरी बोली जाती है, ऐसे लोगों की आबादी करीब 120 करोड़ करीब करीब 15% दुनिया की कुल आबादी के। फिर हिंदू आते हैं 115 करोड़ करीब करीब 14%, और उसके बाद बौद्ध हैं करीब 52 करोड़ करीब 6%। ये मैं उसके पॉइंट को नहीं लिख रहा हूं। तो इस 800 करोड़ में ये लोग मिलके, ये जो 5 कैटेगरीज हैं, ये करीब 717 करोड़ और कुल करीब 88-89% मतलब 88-89% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद एक चीज और समझ लीजिए, ये द गार्जियन की 3 अक्टूबर 2017 की रिपोर्ट के हवाले से मैं ये कह रहा हूं कि कुल राष्ट्र आज की तारीख में कहे जाते हैं 195, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में 193 राष्ट्र प्लस 2, तो मोटे तौर पे 195 राष्ट्र का ऐसा माना जाता है कि दुनिया में 195 राष्ट्र। अब वहां पे रिलीजन कहां कहां प्रैक्टिस की जाते हैं, कुछ जगह ऑफिशियल रिलीजन है कुछ देशों में और कुछ जगह प्रिफर्ड रिलीजन है। यहां हम लोग केवल बात कर रहे हैं ऑफिशियल, जैसे उस देश ने ये कहा हुआ है कि मेरे देश का धर्म ये है, नहीं तो बाकी लोग सेकुलर कहते हैं। तो सबसे पहले इस्लाम 27 देश अपने देश में कहते हैं कि मैं इस्लामिक कंट्री हूं। क्रिश्चियंस 13 देश ऐसे हैं जिसमें इंग्लैंड, डेनमार्क ये सब हैं, जो अपने को क्रिश्चियन कंट्रीज कहते हैं। हिंदू कोई भी नहीं है, ये सुन के आपको ताज्जुब होगा, हिंदू कोई भी नहीं है। पहले नेपाल हुआ करता था, वो भी नहीं है। भूटान और कंबोडिया, ये दो देश ऐसे हैं जो अपने को बुद्धिस्ट मतलब उनके स्टेट रिलीजन इज बुद्धिज्म, उनके उसमें लिखा है। और एक जू कंट्री भी है, वो इसराइल। तो इस तरह से 195 में 43 देश अपने रिलीजन मतलब वो एक रिलीजन को मानते हैं, लेकिन 152 देश 152 मतलब करीब करीब 75% देश अपने यहां किसी रिलीजन को नहीं करते। प्रिफर्ड रिलीजन हो सकता है, लेकिन उस भाषा में कहते हैं तो सेकुलर है। कोई भी धर्म वाला आके वहां प्रैक्टिस करे उनको कोई दिक्कत नहीं, बाकी जगह भी नहीं है, लेकिन वो रिलीजियस स्टेट नहीं है। ये मैं इस रेफरेंस से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान आज एक सेकुलर स्टेट है, दुनिया में उसका नाम है। उससे शायद इस सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 से हम हिंदू स्टेट की तरफ चलना शुरू कर दिए हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर रिलीजन को बहुत टाइटली रेगुलेट किया जाता है और वहां थोड़ा रिलीजन के प्रति हॉस्टैलिटी है। वो पुराने कम्युनिस्ट देश हैं, चीन है, क्यूबा है, नॉर्थ कोरिया है, वियतनाम है और रशिया पुराना था, उसके कुछ जो बिखरा हुआ रशिया है उसके कुछ स्टेट हैं। अब अपनी मुख्य बात शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से, विवेकानंद ने जो शिकागो में अपना भाषण दिया था जिसको लेके आज तक हम सब लोग उसकी बात करते हैं, हिंदुस्तानियों को उस भाषण से गर्व है, और एक पूरी दुनिया में एक उन्होंने संदेश दिया था, उसमें उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये कहा था कि भारत, मैं जिस देश से आता हूं वहां सभी देशों के, उन्होंने लिखा था सभी देशों के और सभी धर्मों के सताए हुए शरणार्थियों को भारत ने शरण दी है। और उन्होंने भारत की क्या महानता और क्या है इस बारे में बात की थी। ये आप कोई भी देख लेंगे तो पूरा भाषण आपको कहीं भी मिल जाएगा। अब इसमें मूल रूप से क्या बात है इस बिल में, पहली बात यह है कि ये बिल ये कह रहा है कि जो वो शरणार्थी जिनको परसिक्यूशन मतलब उत्पीड़न, जिनके ऊपर उत्पीड़न उस देश में हो रहा था उसकी वजह से भाग के आए हैं, ये उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। नॉर्मली अभी क्या होगा कि कोई 12 साल तक हिंदुस्तान में रहता है, फिर उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है यहाँ की नागरिकता के लिए, उसको 5 साल कर दिया गया, फास्ट ट्रैक कर दिया गया। जो कट ऑफ डेट है
कि इससे पहले आए हुए वो 31 दिसंबर 2014 से आए हुए, मतलब जो 31 दिसंबर 2014 तक आया था, आज की तारीख में चूंकि 5 साल पूरे हो गए हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात इस बिल में और भी है कि उनका नागरिकता को लेकर अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो वो खत्म हो जाएगा। यहां पर ऑब्जेक्शन क्या क्या है, क्योंकि इस पर बहुत हो हल्ला हो रहा है, बिना चीज को पूरी तरह से जाने लोग अपने अपने ढंग से इस पे कर रहे हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो है ही जो अपने ढंग से सारी चीजों को कर रही है। पहली चीज, ऐसा एक बड़े समुदाय का मानना है कि आर्टिकल 14 जो है, जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, ये अमेंडमेंट उसको वायलेट कर रहा है। पहला ऑब्जेक्शन ये। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि जब आप सारे धर्मों को आपने क्यों नहीं लिया, जब आप 6 धर्म ले रहे थे तो एक मुस्लिम जो धर्म, जो इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, उसको आपने बाहर क्यों रखा। इससे ही कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भेदभाव की बात लोगों के मन में आ रही है, क्योंकि इसमें एक समझने की और बात है, और वो मैं हिंदू होने के नाते, मैं रोज पूजा करने के नाते, फिर मैं कह रहा हूं अभी क्या हो रहा है ना, हिंदुओं को कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन जो बेसिक साइकोलॉजी होती है, और जो मेरे अगल बगल जो मैं जिस समाज में, उनका कहना है मुसलमानों को ठीक किया जा रहा है, हम इसी में खुश हैं। तो आप बेसिकली मुसलमानों को ठीक करके उस हिंदू वोट बैंक को कहीं ना कहीं एड्रेस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि तभी आपने एक धर्म विशेष को उसमें से बाहर कर दिया है। दूसरा, आपने सारे देशों को क्यों नहीं लिया जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। भाई कोई तो लॉजिक होती, अगर आप अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहे होते तो आप भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करते, आपने अफगानिस्तान को भी लिया है जो इंडिया का कभी हिस्सा नहीं था, तो इसका मतलब आप अनडिवाइडेड इंडिया की तो बात कर नहीं रहे हैं। फिर आपने नेपाल, बर्मा जिसको म्यांमार बोलते हैं, और श्रीलंका को क्यों छोड़ दिया, भूटान को क्यों छोड़ दिया, एक तरह से चीन भी लगी हुई सीमा है, चीन को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अगर उत्पीड़न की बात की जाए तो पाकिस्तान में आपने मुसलमानों को बाहर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में जितना अहमदिया और शिया मुसलमानों का उत्पीड़न हुआ है, उस तरह के शरणार्थी हिंदुस्तान में आए भी हुए हैं। फिर आपने बगल के कंट्रीज में बर्मा को छोड़ दिया, बर्मा में हिंदू और मुस्लिम दोनों का उत्पीड़न हुआ है, बौद्ध वहां रहते हैं लेकिन उत्पीड़न हुआ है, श्रीलंका में हिंदू और क्रिश्चियंस तमिलियंस का उत्पीड़न हुआ है, तो आपने श्रीलंका को इससे बाहर क्यों कर दिया, अगर उत्पीड़न इज द क्राइटेरिया। अब इसके बारे में जो हमारे गृह मंत्री हो, ये कहते हैं भाई मुसलमानों को हमने इसलिए नहीं लिखा रखा इसमें क्योंकि मुसलमानों के बहुत से राष्ट्र हैं, वो वहां चले जाएं अगर उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो अगर ये लॉजिक है कि मुसलमान जो है उनका उत्पीड़न हो रहा है तो वो उन राष्ट्रों में, उन देशों में जाएं जहां का रिलीजन इस्लाम है, तो भाई ये लॉजिक तो बुद्धिस्ट के ऊपर भी होती है, आपने बुद्धिस्ट को क्यों रखा, दो देश बुद्धिस्ट के भी हैं, जाएं वो उन देशों में, आपने क्रिश्चियंस को क्यों रखा, 13 देश तो उन क्रिश्चियंस के भी हैं, जाए उन देशों में वो क्रिश्चियंस, आपने क्रिश्चियंस को क्यों रखा। तो कहीं ना कहीं नियत की गड़बड़ इससे लगती है। एक बड़ी बात, क्योंकि ये सब जगह बिना बात के कुछ चीजों को हम लोग कर रहे हैं जिसका आज की तारीख में बहुत अर्थ नहीं है। गांधी को गाली देने से आज क्या फायदा, सारी चीजों के लिए नेहरू को दोषी देने से आज क्या फायदा, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है। अब एक नया पार्लियामेंट पे फिर से हमारे गृह मंत्री ने कहा कि इस पार्टीशन के लिए, टू नेशन थ्योरी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी। मैं फिर उनको याद दिला दूं, जो भी इतिहास पढ़े हो, कि जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान धर्म के की बेसिस पे बना, लेकिन हिंदुस्तान धर्म की बेसिस पे नहीं बना था। हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहे थे वो बाई चॉइस थे। मैं हिंदू था, मेरे माँ बाप अगर चाहते भी तो पाकिस्तान नहीं जा सकते थे, तो मेरे माँ बाप के पास कोई चॉइस नहीं थी बल्कि हिंदुस्तान रहने के। लेकिन जो कोई मुसलमान यहां रहा उसके पास चॉइस थी, उसने चॉइस के रूप में इस देश को अपना चुना। तो मुझे आज की तारीख में लगता है कि अगर मुझसे, मैं तो ये कहूंगा कि शायद उसका हक इस देश में मुझसे ज्यादा है क्योंकि उसकी बाई चॉइस है, लेकिन कम तो किसी हालत में नहीं है। तो उनको आज आप बाहर कर देने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज और कहें, अब ये जो बार बार कहा जा रहा है ना कि कांग्रेस टू नेशन थ्योरी की पक्षधर थी, अगर कांग्रेस टू नेशन थ्योरी की पक्षधर थी तो कांग्रेस तो हिंदू राष्ट्र बना देती, कांग्रेस तो मेजॉरिटी में थी, तो उसने क्यों नहीं बनाया। आपकी जानकारी के लिए फिर बता दूं, क्योंकि ये या तो पढ़े नहीं हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं या जानबूझ के नहीं बता रहे हैं। जब संविधान सभा में ये बात उठी थी, क्योंकि दुनिया के बहुत से देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ईश्वर के नाम पे करते थे, हिंदुस्तान में जब ये बात होती, एसवी कामत थे, उन्होंने प्रपोजल लाए कि ईश्वर के नाम पे, इसका विरोध हुआ, इस पे डिबेट हुई,
और डिबेट में वोट पड़ा और वोट में हुआ कि नहीं ईश्वर के नाम पे नहीं, और उस डिबेट में ईश्वर के नाम पे नहीं होगा ये प्रस्ताव गिर गया, खारिज हुआ, हारा। और इसके लिए मैं एक नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जो थे, जिन्होंने इस संविधान को एक नई दिशा दी थी पूरी दुनिया के संविधान को देख के, वो हिंदू राष्ट्र के कट्टर विरोधी थे। मैं उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि यहां समय की सीमा है। दो नेशन थ्योरी के जो शुरू से पक्षधर थे वो दो दल थे, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग। और दी हंट की अभी एक वो निकली है जो कहीं वो है, मैं लगा दे रहा हूं, जो जिनको भारत रत्न देने की मांग पूरा मतलब एक कुनबा कर रहा है, उन वीर सावरकर ने किस तरह से बधाई दी थी मुस्लिम लीग को टू नेशन थ्योरी के लिए, मुसलमानों का राष्ट्र बनने के लिए। अब अगली बात, आपको एकदम से लग रहा होगा कि ये नॉर्थ ईस्ट क्यों इसमें उबल रहा है। नॉर्थ ईस्ट इसलिए उबल रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत वहां के रिसोर्सेस की है, वहां पे बहुत घुसपैठियां हैं, छोटी जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ है, 22 लाख आ जाएंगे पता ही नहीं लगेगा, वहां पे अगर 22 लाख में 2 लाख भी आ जाएंगे तो बहुत पता लगेगा। वहां के रिसोर्स हैं, उस रिसोर्स पे उनकी बार बार दिक्कत है कि घुसपैठिए जो आ रहे हैं उनसे वो बचाना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के पूरा, और खास करके आसाम की मैं बात कर रहा हूं। और वहां पे सदैव विवाद धर्म का कभी नहीं रहा है, वहां पे विवाद हरदम भाषा का रहा है। तो उस विवाद को आप आज एक धर्म का ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, सीएबी ला रहे हैं, एनआरसी ले आए हैं, इसलिए वहां दिक्कत है। आपने एनआरसी किया, आसाम में आपने 19 लाख लोगों को कहा है कि ये एनआरसी रजिस्टर में नहीं है, मतलब वो एक तरह से हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। अब उसमें क्या दिक्कत हो रही है, उसमें दिक्कत ये हो रही है कि उसमें से 14 लाख हिंदू हैं। अब आसाम की दिक्कत समझ लीजिए कि उन्होंने एक बड़ा एजिटेशन किया, बहुत लोग मरे, 800 से 1000 लोग के बीच मरे थे उस एजिटेशन में, आसाम अकॉर्ड हुआ था। उस समय जो कट ऑफ डेट मानी गई थी देश की वो 1971 मार्च की कोई डेट थी, आज आप उस डेट को 43 साल आगे बढ़ा के 31 दिसंबर 2014 तक खींच के ले आ रहे हैं। और इसमें एक अजीब सी वो है, ये जो 19 लाख में कहा जा रहा है कि 14 लाख करीब हिंदू हैं, उस 14 लाख हिंदू में जो यूपी और बिहार से गए हुए लोग हैं, माइग्रेट जो लेबर है या जो माइग्रेट कर गए वहां और अब वहीं काम करने लगे, इन लोगों का सीएबी में नहीं होगा क्योंकि ये तो हिंदू हैं। ये तो केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए लोगों के लिए हो सकता है, शरणार्थियों के लिए। अब जो बिहार और यूपी से गए हैं उनका क्या होगा। दूसरा यह है कि आपने जब इसको 31 दिसंबर 2014 तक इस डेट को, कट ऑफ डेट को आपने कर दी, तो 1971 और 2014 इस 43 साल के बीच में जो भी बांग्लादेश के घुसपैठिए होंगे वो भी इसमें कहीं ना कहीं आ जाएंगे, इसलिए आसाम के और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनको इससे खतरा लग रहा है। एक और अजीब सी स्थिति है, गोरखा, करीब 1 लाख गोरखा हैं इसमें। अब वो गोरखा या तो भारतीय होंगे या नेपाली होंगे या इसी ओरिजिन के कहीं होंगे। अब इन लोगों का क्या होगा, क्योंकि आपने नेपाल को रखा नहीं, आपने इंडियन उसको रखा नहीं, अब इन लोगों का क्या होगा ये मतलब मालूम नहीं, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। आप खुद सोचिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले जो ये माइनॉरिटी हैं, जिन 6 को मतलब मुसलमानों को छोड़ के, उनके साथ क्या व्यवहार होगा। बांग्लादेश में आपके नॉलेज के लिए बता दूं, करीब 1.5 करोड़ हिंदुस्तानी रहते हैं, आप ये इस तरह का यहाँ एक ला रहे हैं बिल, उसमें उनकी क्या दशा होगी। और एक अंतिम बात इसलिए कि आज अगर भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, इन सब पे कोई अपना बर्थ राइट मानने लगता है तो इन लोग दौड़ के कहते हैं ये जो परिवार है वो कहता है ये मेरा है। भगत सिंह अगर आज जीवित रहते या उनके परिवार, उनका कोई वंश होता, शादी हो गई होती, बच्चे होते, तो भगत सिंह को ये सरकार हिंदुस्तान का नागरिक नहीं बनाती। दो कारण है, पहला कारण क्योंकि एक तो लायलपुर पाकिस्तान में जन्म हुआ था तो वो पाकिस्तान से उनको माइग्रेट करके भाई यहाँ दिखाना पड़ता, और यहाँ जब आते तो सबसे बड़ा कारण ये था कि भगत सिंह धर्म को नहीं मानते थे। अब जब धर्म को नहीं मानते हैं आप, तो ना आप हिंदू हैं ना मुसलमान हैं ना कुछ हैं, तो आपको हमारा ये जो गृह मंत्री का कानून है ये भगत सिंह को तो भारत का नागरिक नहीं बनाता। इससे ज़्यादा, और ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, ये सीरियस बात है, इसी भाजपा सरकार में जिसकी राज्य हरियाणा राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार थी, इन लोगों ने भगत सिंह के साथ जो उनकी अपमान किया है वो सिर्फ मैं आपको बता दूं, मेरा एपिसोड 57 है, समय हो तो उसको देख लीजिएगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम का प्रपोजल था कि शहीद आजम भगत सिंह एयरपोर्ट रखा जाए,
दोनों राज्यों की सहमति आ गई थी, बाद में सरकार बदली और ये रिटर्न रिप्लाई है जो इसके साथ में लगा दे रहा हूं। पंजाब ने कह दिया कि हाँ ठीक है, ये नाम ठीक है। खट्टर साहब ने उस समय कहा कि नहीं नहीं, इसका नाम डॉक्टर मंगल सेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ होना चाहिए। इनको भगत सिंह से ऑब्जेक्शन है, ध्यान रखिएगा। आज इनको मुसलमान से ऑब्जेक्शन है, कल इनको देश के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गांधी, इन सबसे भी ऑब्जेक्शन होगा। फैसला तो हम लोगों के हाथ में नहीं है, पार्लियामेंट में हो रहा है, लेकिन ये जरूर है कि जिससे जो भी जहां हो सके कम से कम अपना विरोध तो हम जरूर जाहिर करें कि देश के साथ इस तरह का खिलवाड़ कम से कम न किया जाए, जिससे देश की अखंडता, देश की जो आगे विकास की गति है उस पर चोट पहुंचे। धन्यवाद। तो हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिलेगी।